हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट पे नेवबार बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सीएसएस, और जो कि बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। यूएल टैग का यूज़ करके हम लोग सीएसएस थोड़ा यूज़ करेंगे, उसके बाद नेवबार आराम से बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने यूएल टैग ओएल टैग मतलब ये लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे आप तो आपको ये नहीं पता चलेगा किस तरीके से मैंने आधा काम इसमें पहले से कर दिया है। क्योंकि यूएल टैग मैंने पहले से इसमें मेंशन करके रख दिया है और उसके बाद मैं सीएसएस यूज़ करूँगा, जिससे हम लोगों का समय जो है बच जाए और हम लोग इजी तरीके से नेवबार को बनाना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग के अंदर यूएल टैग को स्टार्ट कर दिया है। जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने यूएल टैग और H1 टैग का यूज़ किया हुआ है पहले से ही, बट यहाँ पे स्टाइल मैंने सबसे पहले यूएल टैग को दूंगा। यूएल टैग में सिंपल जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस आप लोग वही मेंशन कर दोगे तो आप लोगों को नेवबार इजी तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस लिस्ट स्टाइल टैग को आपको नन कर देना है, और जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, जैसे मार्जिन 0 दे दिया, पैडिंग 0 दे दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन दे देंगे। देखिए दोस्तों जो टैग था उसमें जो स्टाइल आ रहा था वो हट गया है। फिर एलआई टैग में हम लोग दे देंगे यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, ताकि हमारा जो नेवबार है वो लेफ्ट में आए। तो देखिए दोस्तों एक एक करके आराम से सब के सब साइड में आ गए हैं, लेफ्ट साइड। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग एलआई के जो एंगल टैग में है वो लिखेंगे, उसमें सीएसएस देंगे, क्योंकि जो भी हमने इसमें नेवबार में दिया जाता है तो एंगल टैग में ही लिखते हैं। ए टैग में एलआई टैग में डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे और टेक्स्ट लाइन सेंटर और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग जब देंगे 14px देन 16px, आप लोग कोई भी पैडिंग दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दी हुई है। इसमें देखिए दोस्तों जैसी पैडिंग दिया सब पूरा नेवबार आराम से ब्लॉक के थ्रू बन के आ गया आराम से। अब यहाँ पे सिंपल हम लोग बॉडी टैग में यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हर बार मैं यहाँ पे यूज़ करता था कोई बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की है, तो इमेज के लिए मैंने पहले ही से जिस फोल्डर में मैंने फाइल को सेव किया है उसी फोल्डर में ही मैंने इमेज को सेव करके रखा हुआ है, और वही सेम टू सेम एक्सटेंशन दिया है ताकि वो इमेज आराम से शो होके आ जाए। और जो भी मैं बैकग्राउंड इमेज में जो भी सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ वो आप नहीं करेंगे तो आपकी इमेज प्रॉपर नहीं आएगी, जैसे कि बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर हो गई और बैकग्राउंड इमेज यू आर आर के अंदर, फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा में इमेज का नेम। तो इसी तरीके से इमेज देखिए दोस्तों आ गई है यहाँ पे। आप लोग क्या करेंगे, यूएल टैग में बैकग्राउंड कलर दे देंगे। ये कलर मैंने कलर पिकर से लिया है, अगर आप लोग कलर पिकर नहीं यूज़ करना आता हो तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कमेंट में, तो मैं आपको बताऊँगा कलर पिकर कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप कोई भी कलर दे सकते थे, मैंने कलर पिकर से यूज़ किया हुआ है तो मैंने वहीं से कलर उठाया है। LIA टैग में भी हम लोग वाइट दे देंगे उसको कलर, फिर यहाँ पे होवर देंगे हम इसको, होवर आपको पता ही कैसे देते हैं हम लोग, पहले भी आपको बताया हुआ है मैंने। बैकग्राउंड कलर देंगे सिंपल यहाँ पे, ये भी मैंने कलर पिकर से ही लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ओपेसिटी दे देंगे, इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा थोड़ा, जितना परसेंटेज हम चाहेंगे उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 70 चाह देखिए दोस्तों 70% वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और यहाँ पे मैं होवर को भी ओपेसिटी में 90% दे दूंगा ताकि वो भी एक थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट आ जाए, जिससे कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब H1 टैग में हम लोग सीएसएस देंगे, क्योंकि H1 टैग को ही मैंने लिखा हुआ है H1 टैग में,
और ये इतना नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बी आर टैग का यूज़ किया है, इसलिए दोस्तों इतना नीचे आ रहा है। और यहाँ पे टैक्स लाइन सेंटर दे देंगे हम लोग, और कलर हम लोग दे देंगे, इसको भी मैंने कलर पिकर से ही लिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर हम लोग वाइट दे देंगे, फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ उसका 80px। देखिए दोस्तों ऐसा आ गया, लेकिन इसकी ओपेसिटी बहुत बेकार लग रही है, तो उसकी ओपेसिटी मैं चेंज कर दूंगा जिससे थोड़ा लुक सही आ जाए 50%। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने नेबर बनाया हुआ है और सब जो होम पेज है, और यहाँ पे दोस्तों एलआई टैग में जो लॉगिन और साइनअप है इसको भी मैं राइट साइड कर दूंगा, कि सारे के सारे लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो मैं लॉगिन और साइनअप को राइट साइड कर दूंगा। तो यही था मेरा नेबार और यही था मेरा फ्रंट पेज। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, और सिंपल यहाँ पे दोनों में कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो बन जाएगा आराम से। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिसको भी CSS वेब डेवलपमेंट सीखना है उसको ये चैनल को शेयर करें ताकि वो वीडियोस को आराम से समझ पाए और वेब डेवलपमेंट सीख पाए। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।